सो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 फ्लैश हो रहा होगा। भारतीय संवैधानिक निकायों का चयन करिए। सिलेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आपको 5 ऑप्शंस दिए गए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक संवैधानिक निकाय है, कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, इन्फॉर्मेशन कमीशन और लोकपाल। और आपको कुछ कोड दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा नहीं। 1 and 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर इसका? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 and 2। मतलब क्या है इसका मतलब? कि जो अटॉर्नी जनरल है और फाइनेंस कमीशन है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, लेकिन जो नीति आयोग है या सूचना आयोग है या लोकपाल है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से है। आप जानते ही हैं कि भारत का महान्यायवादी, जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब एक अनुच्छेद में इसका मेंशन है, तो ये एक संवैधानिक इकाई है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक नहीं है। दूसरा, फाइनेंस कमीशन का भी उल्लेख हमारे यहाँ संविधान में 280 अनुच्छेद में दिया है, आर्टिकल 280 में दिया गया है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्या होती है? इट इज़ एन एलीट बॉडी, सेंट्रल लेवल बॉडी, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स प्रोसीड्स के डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बनाती है। मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का बंटवारा होता है, करों से जो भी पैसे आते हैं उसका जो बंटवारा होता है, उसकी योजना बनाने वाली केंद्रीय स्तर की इकाई है वित्त आयोग। तो इसका भी उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 में। तो 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है, 280 में फाइनेंस कमीशन का उल्लेख है। लेकिन नीति आयोग, जो कि योजना आयोग को रिप्लेस करके लाया गया है, सूचना आयोग, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से अस्तित्व में आया है, और लोकपाल, जो 2013 में आया है बट अभी तक के उसका कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। मतलब ये है कि ये तीनों ही, लोकपाल भी, मतलब इट इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अभी भी अगर आप देखें तो, ये तीनों जो है, नीति आयोग या सूचना आयोग या लोकपाल जो है, इन तीनों का उल्लेख कहीं पर भी संविधान के अनुच्छेदों में नहीं दिया गया है। ये तीनों ही तीनों पार्लियामेंट के लॉज से बनाए गए हैं एंड दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो सवाल पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं, इस हिसाब से इसका आंसर होगा ए, 1 and 2। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैश हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही कथन क्या है? ये क्वेश्चन ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से लिया गया है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कोड दिया गया है, और इन कोड्स में बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 chairman and 2 other members। एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। उसके अलावा इसमें सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीसरा दिया गया, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है या की जाती है। और चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इनका जो कार्यकाल या टेन्योर होता है वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है ह्यूमन राइट कमीशन से है, मानव अधिकार आयोग से है। 4 आपको स्टेटमेंट दिए और कोर्ट में आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इतना वक्त हमने रीड करते वक्त, इतना वक्त इसलिए लेती हूँ मैं ताकि इस बीच आप रीड करके इस पर पॉन्डर करना, थिंक करना स्टार्ट कर दें क्या होगा इसका आंसर। यस, इसका आंसर होगा 2 and 3, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, 2 and 3। देखो, क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही कथन, मतलब आपका जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, आपका जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सन 1993 में अस्तित्व में आया था एंड इट इज़ एन एलीट एजेंसी विच एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑन ह्यूमन राइट्स। भारत में जो मानव अधिकार दिए गए, संविधान ने भी जो लिबर्टी, लाइफ, इक्वालिटी, डिग्निटी से संबंधित जो भी अधिकार हमें दिए गए हैं, उनके ऊपर एक वॉच डॉग के तौर पर ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था 1993 में, अस्तित्व में आया था। ये गैर संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, संसद के एक विधेयक द्वारा इसका अस्तित्व आया था। ठीक है, तो ये जो आयोग है इसका मेन काम आता है, इसका मेन काम ये होता है कि भारत में मानव अधिकार से संबंधित कुछ योजनाएं बनाना और भारत में हर किसी को मानव अधिकार सुनिश्चित हो सके इस पर नज़र रखना।
और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस मानव अधिकार आयोग की संरचना और सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित है। तो अगर आप मानव अधिकार आयोग की बात करें तो उसकी संरचना में ऐसा है कि इसमें एक चेयरमैन होता है और चार मेंबर्स होते हैं, फोर मेंबर्स, ठीक। एक चेयरमैन होता है, एक अध्यक्ष होता है और चार सदस्य होते हैं। चेयरमैन जो होता है ही शुड नेसेसरीली बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए इसका अध्यक्ष, कोई ना कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसका अध्यक्ष बनेगा। और बाकी के जो चार मेंबर्स हैं उनमें एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए, मतलब वो उस वक्त सेवा में भी हो सकता है या रिटायर्ड जज भी हो सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। चीफ जस्टिस कोई रिटायर्ड होगा, वो अध्यक्ष होगा। कोई भी मेंबर जो सर्विंग है एज अ जज या कोई भी जज जो रिटायर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट लेवल का, वो एक मेंबर होगा। एक मेंबर होगा इसका इंडिया की कोई भी हाई कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या किसी, और दूसरा है हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस, ठीक है। ऐसे दो मेंबर्स होने चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और दो ऐसे व्यक्ति जिन्हें मानव अधिकार के बारे में कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इन्हें विशेषज्ञ हैं। तो ऐसे चार लोग इसके सदस्य होंगे अदर देन चेयरमैन, तो एक तरह की फाइव मेंबर्ड ये बॉडी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ वन चेयरमैन एंड टू अदर मेंबर्स, ये गलत है क्योंकि इसमें एक चेयरमैन के साथ साथ दो नहीं चार अदर मेंबर्स होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है चेयरमैन इज इंडियाज रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ये बिल्कुल सही, इसलिए हमने इसको सही लिया। तीसरा स्टेटमेंट है चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही, ये सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं पांचों के पांचों लोग राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट सही लिया इसलिए मैं इसकी व्याख्या भी कर रही हूँ। ये पांचों के पांचों सदस्य भले ही गैर संवैधानिक निकाय है पर याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है, पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इन्हें अपॉइंट नहीं करता। राष्ट्रपति को सजेशन देने के लिए एक सिक्स मेंबर्ड बॉडी होती है, ये छह लोग रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं और उसके बाद ही राष्ट्रपति इन पाँच सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो आप ये जानें कि राष्ट्रपति को कौन छह लोग हैं जो सलाह देते हैं इन सदस्यों की नियुक्ति के लिए। तो उसमें याद रखें एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, एक इंडिया का होम मिनिस्टर होता है, ठीक, उसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, ठीक, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष होगा और राज्यसभा का उपसभापति होगा, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोथ राज्यसभा और लोकसभा। क्या कह रही हूँ मैं सुन लें, एक हो गया प्रधानमंत्री, दूसरा हो गया गृह मंत्री, तीसरा हो गया लोकसभा का अध्यक्ष, चौथा हो गया राज्यसभा का जो उपसभापति है वो, और पांचवा और छठवा जो राज्यसभा में आपका विपक्ष का नेता होगा और जो आपका लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा वो। ऐसे छह सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह पर इन सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ही कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, पर फर्दर क्वेश्चंस के लिए आप इस चीज़ को भी याद रखें कि सलाहकार समिति में कौन कौन शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है उनके कार्यकाल से संबंधित है और दिया हुआ है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये गलत लिया हमने, क्योंकि ये जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल जो मैंशनड है इस एक्ट में वो है 5 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। जैसे इसमें दिया है ना कि कार्यकाल 6 साल का होगा, वो बिल्कुल गलत है, ये मेंशनड है कि कार्यकाल 5 साल का होगा। दूसरी चीज़ इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो दिया हुआ है ना इसमें कि 65 वर्ष, वो भी गलत है क्योंकि इनकी रिटायरमेंट एज 70 ईयर होगी। और बहुत जाहिर सी चीज़ है कि कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इसका अध्यक्ष है तो वो इंसान रिटायर अगर हुआ है तो दैट मीन्स वो 65 ईयर्स में तो खुद रिटायर हुआ होगा, इज़ दैट क्लियर, 65 ईयर्स में रिटायर हुआ होगा ना, क्योंकि 65 वर्ष की आयु सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज है। तो अगर आप वही इसके लिए रख देंगे 65 वर्ष की आयु तो फिर ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं हुई, इसलिए रिटायर्ड है मतलब वो व्यक्ति मोस्ट प्रोबेबली 65 ईयर्स के ऊपर ही होगा, इसलिए इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 70 ईयर्स है, ये याद रखिएगा। बाकी मैक्सिमम संवैधानिक निकायों में अगर आप देखेंगे तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले अचीव हो
वो होता है कार्यकाल, पर ये गैर संवैधानिक निकाय है और इसके लिए पर्टिकुलरली याद रखेंगे 70 वर्ष की उम्र, शायद अभी जितने भी आप पढ़ रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आपकी रिटायरमेंट एज है, ठीक है। तो 5 years or 70 years of age, दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट 4 है वो रॉन्ग है। तो अगेन आई रिपीट, आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3, ये दोनों सही है, 1st और 4th रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? ठीक, लेट अस नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ आयोग दिए गए हैं और उनके सामने मंत्रालय दिए गए हैं और आपको सवाल पूछा है कि इसमें कौन सा आयोग कौन से मंत्रालय के अधीन आता है। इस पर कुछ आपकी मैचिंग दी गई है, कौन सी मैचिंग सही है पूछा है, सही संबंध कौन सा दर्शाता है। लेट मी रीड आउट। केंद्रीय सूचना आयोग, सामने दिया है कार्मिक मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, ठीक है, कार्मिक मंत्रालय उसे कहते हैं। अंतर्राज्य परिषद मतलब कि इंटर स्टेट काउंसिल, गृह मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। NIA, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, जिसे हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, इसके सामने दिया रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस। और लास्ट है आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और आगे उसके ऑप्शन दिया हुआ है गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम। सवाल क्या पूछा है कि ये जो इस तरफ आयोग दिए गए हैं उनके सामने जो मंत्रालय दिए गए हैं उन्हें मैच करके लिखा गया है, बताइए कौन सा सही मैच्ड है। और आपकी कुछ कोड्स दिए गए हैं तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2, मतलब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग के सामने जो लिखा ना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये बिल्कुल सही है। सन 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाया गया था ताकि सूचना से संबंधित मामलों के ऊपर वो नज़र रख सके और उसकी कंप्लेन की का जो निवारण है वो कर सके। तो इसका जो है हमने पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज और पेंशन का जो विभाग है उसके अधीन रखा है, तो ये बिल्कुल सही मैच्ड है। दूसरा है आपका इंटर स्टेट काउंसिल, तो हमने पढ़ा ही था पिछले लेक्चर में कि आर्टिकल 263 के तहत 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल बनी हुई थी और ये जो काउंसिल है सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बनाई गई थी, और ये बिल्कुल सही लिखा है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं। तीसरा है आपका राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, NIA। तो देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज एक्चुअली, इट हेल्प्स इन कॉम्बेटिंग टेररिज्म, इट इज़ द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। मतलब ऐसा है कि टेरर से रिलेटेड जितने क्राइम्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए NIA बनी हुई है। ये सन 2008 में अस्तित्व में आई थी, 2008 में अस्तित्व में आई थी, और इसको लिखा गया है इसके सामने कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंदर नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम मतलब कि गृह मंत्रालय के अंदर आती है, इसलिए ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है या थर्ड मैचिंग है वो गलत है, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंदर आता है NIA, इट इज़ एन एजेंसी टू कॉम्बैट टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू टेरर रिलेटेड क्राइम्स, ये इसका मेन काम होता है। 2008 में ये अस्तित्व में आई थी, और किसके अंदर आती है कहा मैंने, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। चौथा है आपका CBI, तो ये तो काफ़ी फेमस एजेंसी है, इट इज़ आप जानते हैं कि इट इज़ द पायनियरिंग एलीट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन इंडिया, क्राइम रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ये करती है। 1941 में ये अस्तित्व में आई है, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ये बिल्कुल गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, कार्मिक मंत्रालय जो है ना जिसके अधीन आपने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन पढ़ा है पहला वाला, उसी मंत्रालय के अंदर आपका CBI भी आता है। तो CIC और CBI दोनों ही आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज और पेंशन के अंडर आता है, जबकि इसमें दिया हुआ है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इस वजह से थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका रॉन्गली मैच्ड है, 1st और 2nd सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 रीड्स एज, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा है कि उसके जो क्षेत्राधिकार है, सतर्कता आयोग का जो ज्यूरिसडिक्शन है, विस्तार है, उसके दायरे में इनमें से क्या आता है। और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रुप ए के ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज और ग्रुप ए के ऑफिसर्स, RBI, NABARD, SIDBI, ठीक है। तो इसमें क्या आता है पूछा है, पर कुछ भी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव नहीं है ना, मैं इस चीज़ पर आऊँगी। तो इसमें फिर कुछ कोड कोड दिए हुए हैं, केवल 1, 2 और 3,
तीन और चार और उपरोक्त सभी, और पूछा है कि इसके दायरे में क्या आता है, क्या होगा इसका आंसर। यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये क्वेश्चन आया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से। केंद्रीय सतर्कता आयोग इंडिया की एक एलीट एजेंसी ऑफ प्रिवेंटिंग करप्शन है। भारत पर भ्रष्टाचार के मामलों पर नज़र रखकर उस पर उन प्रॉब्लम्स का निवारण ढूंढने के लिए ये एजेंसी बनाई गई। सन 1964 में एजेंसी अस्तित्व में आई, सांथनम कमेटी की सिफारिश पर यह एजेंसी अस्तित्व में आई थी। इट वॉज अर्लियर नॉर अ नॉन कॉन्स्टिट्यू इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ना संविधानिक निकाय नहीं है ये, और पहले ये स्टेच्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ का इसका दर्जा नहीं था। 2003 में इसे स्टेच्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला। तो फिलहाल ये एक स्टेच्यूटरी बॉडी है, संविधानिक इकाई नहीं है। और क्या करती है ये मेनली, जो आपका अधिकारी वर्ग है उनसे जुड़े जो करप्शन के मामले हैं उन पर नज़र रखती है, विजिलेंस रखती है, सतर्कता रखती है। ठीक है, तो उस पर से ये सवाल पूछा है और पूछा है इसके दायरे में कौन आता है। तो मैं एक साफ सुथरे तौर पर कहूँ तो जितने हायर लेवल के कर्मचारी अधिकारी होते हैं ना वो सब इसके दायरे के अंदर आते हैं। मतलब जैसे इसमें दिया ही हुआ है, मैंने उपरोक्त सभी लिया, यानी जितने आपके ऑप्शंस हैं वो सब सही हैं। तो इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के सभी जितने अधिकारी होते हैं उनसे रिलेटेड करप्शन के इश्यूज को ये डील करती है। उसके अलावा सीवीसी जो होता है ऑफिस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने आपके ग्रुप ए के ऑफिसर्स होते हैं उनको डील करते हैं। उसके अलावा अपने जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना उसमें स्केल 5 के ऊपर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज़ को ये डील करते हैं। उसके अलावा RBI, NABARD, SIDBI जैसे जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें अगर आप देखें तो जो ग्रेड डी ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ये लोग डील करते हैं। इवन जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज या दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज, उसमें जो मैनेजर्स होते हैं या सीनियर डिविजनल मैनेजर्स होते हैं उन सबसे जुड़े करप्शन या भ्रष्टाचार के मामलों को CVC अपनी निगरानी में रखता है। तो आप देख सकते हैं मैंने भले ही बहुत सारे नाम बताए पर आप ये समझ लीजिए कि हाईएस्ट लेवल के हाईएस्ट एंड हायर, ठीक है मैं सुपरलेटिव कंपैरेटिव दोनों में बोल रही हूँ, हाईएस्ट और हायर लेवल के जितने अधिकारी और ऑफिसर्स होते हैं उनसे जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर नज़र रखने के लिए ये एक स्टेच्यूटरी बॉडी भारत में अस्तित्व में है। इसमें राजनेता नहीं आते हैं, इसमें लोअर लेवल के जो कर्मचारी हैं नहीं आते हैं। और आप शायद आपको पता होगा ये कि लोकपाल की जो मांग हो रही थी उसमें ये प्रमुख बिंदु थी कि CVC के दायरे में क्योंकि लोअर लेवल के कर्मचारी नहीं आते और नेता नहीं आते इसलिए लोकपाल लाया जाए। तो लोकपाल आप जानते हैं उसके दायरे में ये सब आ जाते हैं जो CVC के दायरे में नहीं आते थे। सो डू मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन CVC एंड लोकपाल इफ पॉसिबल। ठीक है, एक बार खुद पढ़कर देखिएगा, वरना आप चाहें तो हम इसे बाद में क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में दायरा पूछा है और इस जितने ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, लेट अस नाउ क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन्स। लिखा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड अंडर व्हिच आर्टिकल। ये क्वेश्चन आपका आकस्मिकता निधि से और पूछा है कि बताइए किस अनुच्छेद के अंदर इसका विवरण दिया है। 267, 266, 110, 123। ईजी क्वेश्चन येट इम्पॉर्टेंट। क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 267। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, हमारे राजकोष जो है मतलब कि संसद की जो तीन निधियों का उल्लेख हमारे संविधान में है उससे है। जो हमारा पार्ट 12 है वित्त एवं संपत्ति, उसमें आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 में तीन तरह की फंड्स का विवरण है। 266 में आपका पब्लिक, आपका एक तो पब्लिक अकाउंट दिया गया है मतलब कि लोक लेखा, और साथ ही साथ इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिया गया है। कंसोलिडेटेड फंड मतलब जिसको हम भारत की संचित निधि कहते हैं, ठीक है। और 267 में दिया गया है कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड मतलब कि आकस्मिकता निधि। तो सवाल यहाँ से पूछा है 267 से, पार्ट 12 फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी के आर्टिकल 267 में इसका विवरण। तो ये जो पर्टिकुलर निधि है आकस्मिकता निधि, इसके बारे में अगर एक दो चीज़ें हमें जानना है तो वो ये
कि ये 267 में मेंशन एक ऐसी निधि है जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है, नॉर्मली इससे पैसे नहीं निकाले जाते। जब भारत में कोई ऐसी ग्रेव सिचुएशन आ जाए जहाँ हमें फिनेंस की पैसों की ज़रूरत हो और हमारे जो नॉर्मल संचित निधि है उसमें उतना पैसा ना हो, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर से आपको डील करना है, कोई कैलामिटी आ गई, अचानक से कोई फिनेंशियल लॉस हो गया और उसको आपको मेकअप करना है, तो कंटिंजेंसी फंड जो होते हैं, आकस्मिकता निधि, वहाँ से पैसे विड्रॉ करके उस फाइनेंशियल सिचुएशन को डील किया जाता है। तो 267 जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, आकस्मिकता के समय में इस्तेमाल किया जाना वाला एक फंड है। ये जो फंड है राष्ट्रपति के बिहाफ पर भारत का जो वित्त सचिव होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो मैनेज करता है और इसका ऑपरेशन बिल्कुल एक कार्यकारी प्रक्रिया के तहत यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए होता है। और इसमें ख़ास तौर पर ये ध्यान रखें कि इससे पैसे विड्रॉ करने का जो पूरा पावर है वो राष्ट्रपति के पास होता है और इसके लिए संसद की पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम कंटिजेंसी फंड वेन एवर रिक्वायर्ड एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर्स अ प्री रिकमेंडेशन और अ प्री इंफॉर्मेशन और द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि आप जानते हैं इसमें जो मनी विदड्रॉ किया जाएगा वो इमरजेंसी के टाइम ही किया जाएगा और उस वक्त शायद संसदीय सहमति के लिए हमारे पास समय नहीं होगा। जबकि जो बाकी आप निधियां देख रहे हैं कंटिजेंसी फंड से जब भी पैसा निकाला जाता है पार्लियामेंट की अनुमति के बिना नहीं निकाला जाता, पार्लियामेंट एक बिल पास करती है तभी वो अनलॉक होता है और वहां से पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो कंटिजेंसी फंड से पैसा राष्ट्रपति निकाल सकते हैं, इसके लिए संसद की पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन आपका आकस्मिकता निधि से है जो कि आपके संविधान के अनुच्छेद 267 में मेंशन है। दैट इज़ द a brief explanation for this. ठीक, so let us now quickly move on to the question number 6 now. Question number 5 था, ठीक है? Question number 6 में दिया, again a very simple question. Question पूछा है, विधान परिषद की अधिकतम शक्ति विधानसभा की कुल शक्ति के किस अनुपात पर तय की गई है? ठीक है, question को समझें। आसान भाषा में मैं बताऊँ तो question दिया गया है कि जो legislative council होती है विधान परिषद, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा उसने घुमा दिया है, लिखा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड एट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें आपके चार ऑप्शंस हैं, 1/5, 1/3, 1/4 एंड नॉट फिक्स्ड। क्या होगा इसका आंसर? स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल से सवाल है ये। यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/3, 1/3। तो देखिए, अभी जैसे मैंने कहा राज्य विधानमंडल से ये सवाल है और इसमें इसकी जो संरचना है, कॉम्पोजिशन है, उस पर से एक क्वेश्चन है, वो भी किसकी? लेजिस्लेटिव काउंसिल की। आप जानते ही होंगे कि द्विसदनी प्रणाली के तहत भारत में 6 राज्यों में विधान परिषदों का भी अस्तित्व है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अस्तित्व में है। तो संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि जो विधान परिषदें होंगी उसमें न्यूनतम 40 और अधिकतम लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 सदस्य हो सकते हैं। क्या कहा मैंने, फिर से दोहराती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी राज्य में दूसरा सदन, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है तो उसमें जो सदस्य होंगे वो कम से कम 40 होंगे, और अगर इसे ज़्यादा रखने हैं तो वो भी रख सकते हैं, 40, 50, 60 भी हो सकता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य में विधानसभा में जितने मेंबर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए उस राज्य में विधानसभा में 300 मेंबर हैं, जिस राज्य की विधान परिषद की बात हो रही है, तो उस राज्य में विधानसभा में अगर 300 मेंबर्स हैं तो उसका 1/3 का मतलब हो गया कि 100, तो उस राज्य में कम से कम 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही मेंबर्स विधान परिषद में हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि विधानसभा में 300 मेंबर्स थे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है विधान परिषद से संबंधित। इज दैट क्लियर? कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी मेंबर्स शुड सपोर्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड फॉर डिस्कशन इन लोकसभा। ठीक है, ये क्वेश्चन अविश्वास प्रस्ताव से पूछा है कि इसे सपोर्ट करने के लिए कितने न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता है, और आपके ऑप्शन दिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 100, 50, 25 और 126। क्या होगा इसका आंसर? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, एन इजी वन ऑफ दिस सीक्वेंस। यस, आंसर होगा ऑप्शन बी, 50। देखिए, ये क्वेश्चन आपका
75(3) में जो थोड़ा बहुत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है उसके ऊपर से है, ये एक्चुअली अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर से है। आप सभी जानते हैं कि जब सदन का विश्वास सरकार पर से उठ जाता है तब ये प्रस्ताव पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है, और यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे का पूरे मंत्रिमंडल जो है वो विघटित हो जाता है, मतलब उसे रिजिग्नेशन देना पड़ता है, या मैं कहूँ नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब द पार्लियामेंट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस ओवर द प्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दे वोंट बी इन एग्जिस्टेंस इफ इट इज़ पास्ड। ठीक है, तो इस प्रस्ताव के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पहले तो याद रखें कि ये प्रस्ताव को लाने के लिए कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स की सहमति चाहिए रहती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रस्ताव को पारित करने के लिए, इस क्वेश्चन में भी साफ लिखा है एडमिट करने के लिए, एडमिटेड फॉर डिस्कशन इन लोकसभा, मतलब लोकसभा में प्रस्ताव पर डिस्कशन होगा, इसे एडमिट करेंगे तभी तो डिस्कशन होगा। तो प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कितने लोगों की सहमति चाहिए, तो उसका आंसर है कम से कम 50, उसके बाद चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग होगी इसे पारित करना है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक पार्लियामेंट्री टूल अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन से था। इज दैट क्लियर? कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लेट अस नाउ क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा है कि सहकारी समिति से संबंधित संवैधानिक संशोधन इनमें से कौन सा है, 96th अमेंडमेंट 2010, 97 2011, 95th अमेंडमेंट 2009 एंड 99th अमेंडमेंट 2014। क्वेश्चन इज फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और आपको पूछा है कि अमेंडमेंट इससे जुड़ा कौन सा है, क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 97th अमेंडमेंट 2011। देखिए ये क्वेश्चन अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी से है, और बहुत सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97 नंबर का संशोधन 2011 से मिला, और इस पर्टिकुलर संशोधन से हमारे संविधान में पार्ट 9B जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया, और इसके ज़रिए 243ZH से लेकर 243ZT तक के अनुच्छेद जोड़े गए, 243ZH से लेकर ZT। आप जानते होंगे ना कि जो पार्ट 9 है वो 243 में ही है पूरा, पार्ट 9 का फिर पार्ट 9A जोड़ा गया, फिर पार्ट 9B जोड़ा गया, पार्ट 9 आपका पंचायत, पार्ट 9A आपका म्यूनिसिपालिटी, पार्ट 9 कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो 243 से 243O, फिर P से ZG, पार्ट 9A हो गया, और पार्ट 9B जो है ZG के बाद 243ZH से 243ZT, मतलब अगर सीक्वेंस में याद रखोगे तो 243 से 243O ये आपका पार्ट 9। ठीक है, फिर 243O से लेकर 243ZG ये आपका पार्ट 9A, ये पंचायती राज म्यूनिसिपालिटी, और उसके बाद 243, ठीक है जीरो नहीं है ना, ये ओ है याद रखेंगे, 243ZH से लेकर 243ZT ये है पार्ट 9B, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना और उनके कार्यों को प्रामाणिकता देना इसके अधीन आया। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा इस संशोधन से दिया गया, ये भाग और ये अनुच्छेद जोड़े गए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निर्वाचन आयोग से संबंध में गलत कथन की पहचान करिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको गलत स्टेटमेंट देखना है। पहला है ये एक अस्थायी निकाय है, दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेखित है, तीसरा है ये एक अखिल भारतीय संस्था है, और चौथा है ये एक बहुसदस्य संस्था है जिसमें एक मुख्य आयुक्त एवं दो अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, और आपको क्या पहचानना है इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, कोड्स दिए गए हैं ओनली 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या नन ऑफ दीज, क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1, मतलब जो चार स्टेटमेंट्स मैंने अभी पढ़े उनमें से जो स्टेटमेंट 1 है दैट इट इज़ अ टेम्पररी बॉडी, ये गलत है, रेस्ट 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है जो कि पार्ट 15 यानी भाग 15 में उल्लेखित है, और जानते हैं आप कि ये जो भाग है पार्ट 15 जो है ये 324 से लेकर 329A के बीच में उल्लेखित है, तो इस हिसाब से जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है 324 में उल्लेखित है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक
ऑल इंडिया बॉडी है जिसका मेन काम होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनावों को ऑर्गेनाइज करवाना। अब ऑर्गेनाइज करवाने में आप दुनियादारी जितनी भी चीज़ें आप इलेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन की बात में ले सकते हैं वो सब आप इसमें शामिल कर लें, चाहे वो नामांकन पत्र भरने की बात हो या चुनाव चिन्ह अलॉट करने की बात हो या फिर चुनावों का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात हो। इसका एडवाइजरी रोल रहता है, क्वाजी जुडिशियल रोल रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रहता है, व्हाट सो एवर कम्स अंडर द लाइक लिमिट्स ऑफ द परव्यू ऑफ मैनेजिंग द इलेक्शंस ऑफ ऑल दिस बॉडीज। ठीक है, तो वो सब इलेक्शन कमीशन के कार्यों के अंतर्गत आता है और ये ऑल इंडिया बॉडी है। तो ये भी बिल्कुल सही है जो 324 में लिखित है, वो अखिल भारतीय संस्था है। और हालांकि ये मेंशन नहीं है कि इसमें कितने सदस्य होंगे, लेकिन जो भी अभी व्यवस्था है उस हिसाब से इसमें एक सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये बदले भी जा सकते हैं, नंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी चेंज, पर फिलहाल ये है। तो इस हिसाब से ये जो आपका स्टेटमेंट 4 है ये गलत नहीं है, ये भी सही है। तो आपका सेकेंड सही है, 324 बिल्कुल इसमें ही उल्लेखित है, ये एक ऑल इंडिया बॉडी है। और तीसरा जो है इसमें एक मुख्य होता है और दो सदस्य होते हैं, नॉट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा लिखा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग से पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसमें प्लेनली दिया गया है तो ये स्टेटमेंट भी आपको राइट लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहला जो लिखा है इट इज़ अ टेम्प्रेरी बॉडी, ये बिल्कुल गलत है, ये एक तरह की स्वतंत्र स्थायी इकाई है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट परमानेंट बॉडी। ठीक, तो इस हिसाब से द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, ओनली वन। ठीक है, सो दैट इज इट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट अस नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 रीड्स एज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसे संबंधित कुछ वक्तव्य दिए गए और आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे ध्यान रखें। स्टेटमेंट्स में रीड आउट करती हूँ, संविधान के अनुच्छेद 147 में उल्लेखित है CAG। दूसरा है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है कार्यकाल 5 वर्ष है। और चौथा है वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है, सैलरी इज नॉट चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और आपको इसमें पूछा क्या है, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4। मतलब आउट ऑफ ऑल द 4 स्टेटमेंट्स गिवन, इसमें से सिर्फ सेकेंड वाला स्टेटमेंट कि वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बस वही सही है। बाकी फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। क्यों गलत है? देखिए, CAG जो होता है हम सभी जानते हैं, ही इज द हाईएस्ट अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता है जिसका मेन काम होता है हमारे भारत का जो राजकोष है उसका एनुअल लेखा जोखा तैयार करना, यानी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना और प्रेसिडेंट को एनुअली सौंपना, जिसका बाद में जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो PAC करती है। ठीक है, तो ही इज द हाईएस्ट अकाउंट्स ऑफिसर जो हमारे राजकोष की ऑडिटिंग करता है। इसका उल्लेख जो है ना वो आर्टिकल 148 में दिया गया है और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, 147। तो डू रिमेंबर दैट CAG हैज बीन मेंशनड इन द आर्टिकल 148, नॉट आर्टिकल 147, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है, CAG एक पोस्ट है जिसका अपॉइंटमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसका जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, दैट इज करेक्ट। थर्ड वाला है कार्यकाल 5 वर्ष है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। जितने मैक्सिमम आपके संवैधानिक निकाय हैं या पद हैं उन सब में आप याद रखिएगा, ज़्यादातर में बात कर रही हूँ, उनका कार्यकाल 6 साल होता है या 65 वर्ष की आयु, उनमें से जो भी पहले अटेन हो जाए उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। तो 5 साल जो दिया है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए स्टेटमेंट गलत। चौथा है वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता, सो डू रिमेंबर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय करता है, साथ ही साथ ऐसा है कि ये कार्यकाल की सुरक्षा एंजॉय करता है और साथ ही साथ ऐसा है कि इनका जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है, चार्ज्ड अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इट बिकम्स अ नॉन वोटेबल पार्ट, इसमें वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, पार्लियामेंट से फॉर श्योर इनको ये वेतन जो भी निर्धारित किया जाता है वो देना ही पड़ता है, इट इज़ नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द फाइनेंस बिल। ठीक है, तो ये चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ इंडिया इज CAG, मेंशन इन 148। ठीक, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्वालिफिकेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल, यस, महान्यायवादी के ऊपर से सवाल पूछा है और कुछ उसके स्टेटमेंट्स दिए हैं उसकी योग्यताओं से, और क्वेश्चन अगेन कुछ कूट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्वालिफिकेशंस कौन सी सही हैं जो दी गई है। देखिए, आपके क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मेंशन नहीं है और सिर्फ लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल और आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन से क्वालिफिकेशन है, या कभी आपको मान लीजिए सिर्फ ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, इन पर विचार करिए, विचार करिए भी लिखा है, मतलब उन स्टेटमेंट्स में से आपको फाइनली बताना कि कौन से सही हैं, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स में भी आपको बताना है कि क्वालिफिकेशन से रिगार्डेड कौन से वक्तव्य सही हैं, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट वाली चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल से के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। आई विल रीड इट आउट। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पहला आपकी क्वालिफिकेशन लिखा है। ही मस्ट हैव बीन जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, किसी उच्चतम न्यायालय में जज के तौर पर वो सर्व किया हो कम से कम 10 साल के लिए। ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक के एडवोकेट का इसको एक्सपीरियंस हो, और विधि ज्ञाता हो, एमिनेंट जूरिस्ट हो। और पूछा है कि इन 4 क्वालिफिकेशंस में महान्यायवादी की कौन सी क्वालिफिकेशन है, तो क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4, मतलब ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है, और 4th है दैट ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड और एन एमिनेंट जूरिस्ट, वो एक विधिवेत्ता होना चाहिए, विधि का ज्ञाता होना चाहिए, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल अगेन, आर्टिकल 76, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल क्वेश्चन में बताया था, अटॉर्नी जनरल का मेंशन है आर्टिकल 76 में, और ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, केंद्र सरकार के वकील के तौर पर ये कार्य करता है, और उसका मेन विधिक सलाहकार भी यही पद होता है। और इसमें इसकी जो योग्यताएं दी गई हैं उस पर से सवाल है। तो याद रखें, जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, उसकी योग्यताएं वही होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मेंशन्ड है। सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के लिए जो भी योग्यताएं मेंशन्ड हैं वही अटॉर्नी जनरल की योग्यताएँ होती हैं। तो अगर हम वहाँ से रिलेट करें तो हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 3 मेन योग्यताएँ मेंशन्ड होती हैं, कि वो या तो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक के लिए जज रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक के लिए वकील रहा हो, या वो राष्ट्रपति के संज्ञान में एक विधिवेत्ता हो, या ही शुड बी एन एमिनेंट जूरिस्ट इन दी कॉग्निशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये 3 क्वालिफिकेशंस उसकी हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी भी सेम होगी। बट इसमें देखिए, जो 2nd, 3rd स्टेटमेंट हमने रॉन्ग लिया है उसमें क्या लिखा है, मिलता जुलता लग रहा होगा, बट वहाँ पे पकड़िए क्या चीज़ गलत है। लिखा है ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। भाई 10 ईयर्स जज का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 10 ईयर्स एडवोकेट का एक्सपीरियंस चाहिए। और 3rd स्टेटमेंट है ही मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, हाई कोर्ट में 5 साल के लिए एडवोकेट का एक्सपीरियंस, जबकि क्या था क्वालिफिकेशन ओरिजिनली, हाई कोर्ट में 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस चाहिए और हाई कोर्ट में 5 साल का जज का एक्सपीरियंस, तो वो उल्टा कर दिया है 2nd और 3rd में, इसलिए 2nd और 3rd स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। तो और 3rd वाला तो है ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी है कि राष्ट्रपति के संज्ञान में एक विधिवेत्ता होना चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल के लिए भी ये क्वालिफिकेशन जाहिर सी बातें लागू हो जाती है, तो 4th स्टेटमेंट जो है वो तो राइट है, पर 2nd, 3rd को उसने रिवर्स कर दिया है इसलिए वो गलत है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 4। Is that clear? Now let us now quickly move on to the last question of today's session, question number 12. So question number 12 है, अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के संबंध में विशेष प्रावधान किसके पास होता है, ठीक। 312 का जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड पूछ रहा है कि वो स्पेशल पावर इस आर्टिकल के अंडर किसके पास है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और राष्ट्रपति। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट से है करके हमने इसे डाला है यहाँ पर। क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द आर्टिकल 312 एंड द एक्सक्लूसिव पावर ग्रांटेड टू द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं 2 ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें राज्यसभा का दर्जा लोकसभा से ऊपर होता है, एक आर्टिकल 249,
ठीक है, जिसमें वो राज्यों के लिए कानून बनाने के लिए एक संकल्प पारित कर सकती है, और दूसरा है आर्टिकल 312, ठीक है। एक आर्टिकल 249 एक विशेष दर्जा प्राप्त है राज्यसभा को, और दूसरा है 312। 249 के तहत राज्यसभा एक संकल्प पारित करके किसी राज्य की राज्य सूची की विषय वस्तु से कानून बना सकती है, ठीक है। और 312 जिसके बारे में ये क्वेश्चन है, उसमें ये है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उनमें अगर कोई नई कैटेगरी जोड़ना है तो उसके लिए जो आपका प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है। तो 312 इज़ रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ एनी न्यू ऑल इंडिया सर्विस, कोई नई तरीके की ऑल इंडिया सर्विस। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस में फिलहाल संविधान में तीन सेवाएं मेंशन है, पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा। इनके अलावा अगर कोई नई कैटेगरी जोड़नी है तो उसके लिए राज्यसभा के पास विशेष अधिकार है, आप कह सकते हैं अनुच्छेद के अंदर, वहाँ पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो बस उसी से संबंधित ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट विद टुडेज पॉलिटी एफटीआर सेशन। लेट अस नाउ मीट टुमारो विद फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सीजीपीएससी में हेल्प करेंगे। टुडे थैंक यू सो मच। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।